हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ लौकी के कोफ्ते की सब्जी की रेसिपी, जो कि खाने में बेहद ही डिलीशियस लगती है। तो आइए बनाते हैं। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए हमें लौकी लेनी है। तो ये मैंने लौकी लिए, ये मैंने 750 ग्राम लौकी लिए, इसको मैंने अच्छे से छील कर तैयार कर लिया है। अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे कद्दूकस की सहायता से, इस तरीके से। देखिए, इसी तरीके से हमें इसको कद्दूकस कर लेना है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लौकी कोफ्ते की रेसिपी बताऊंगी, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। तो ये मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। जो मैंने कद्दूकस किए इस लौकी को, हमें बिल्कुल अच्छे से निचोड़ना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। ये मैंने डाली है 2 हरी मिर्ची। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, नमक टेस्ट के अनुसार 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/3 चम्मच, हींग चुटकी भर, बेसन 3 बड़े चम्मच, और बेसन तो हम यदि ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे, धनिया। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इन मसालों को इसमें लौकी में बिल्कुल अच्छे से, और इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें मिक्स कर देना है। लौकी पानी रिलीज करती है, इसलिए गीली जल्दी हो जाती है। तो इस तरीके से मिक्स करके तैयार करना है। अब हम इससे कोफ्ते बना लेते हैं, इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स लेकर। तो देखिए, इस तरीके से हमें कोफ्ते बनाकर तैयार करने हैं, बड़ी आसानी से बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये मैंने कोफ्ते बना लिए हैं। अब हम एक प्लेट में बेसन डालेंगे सूखा, और इसमें हमें कोट करना है लौकी कोफ्तों को, क्योंकि ये पानी रिलीज कर देते हैं इस तरीके से, जिससे इनकी शेप नहीं बिगड़े, एकदम परफेक्ट शेप आए जब हम इनको फ्राई करते हैं, तलते हैं तब। तो देखिए, इस तरीके से हमें इनको बेसन से कोट कर लेना है, जिससे ये चिपकेंगे भी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी, जैसे कोफ्तों की होती है वैसी ही। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, ये मैंने कोफ्ते बना लिया है, और दूसरी तरफ मैंने ऑयल को भी गर्म कर लिया है। अब हम इसमें कोफ्तों को डाल देंगे इस तरीके से। अब हम फ्लेम रखेंगे इसका मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें सेकना है, जिससे ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए, और सिकने के बाद हम इनको पलट देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें इनको सेक कर तैयार करना है क्रिस्पी होने तक, और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना, मीडियम फ्लेम पर ही हमें इनको सेकना है। और अब हम इनको पलट रहे हैं, तो इस तरीके से सभी कोफ्तों को पलट देंगे। तो फ्रेंड्स, आप स्नैक्स के रूप में भी इनको बनाकर तैयार कर सकते हो, और चाय इनके साथ खा सकते हो। बारिश का मौसम वैसे है, तो इसमें भी इसको आप बनाकर खा सकते हो। अब हम इनको निकाल लेंगे सिकने के बाद, ये अच्छे से सिक चुके हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें तैयार करने हैं कोफ्ते। अब मैं दूसरा बैच भी तैयार कर लूँगी सेम तरीके से। ये तो मैंने निकाल लिए एक प्लेट में, देखिए एकदम परफेक्ट सिक कर तैयार हुए। अब हम जो दूसरा बैच बचा है इसको भी इसमें डाल देंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इन्हें भी सेक लेना है, और सिकने के बाद इनको पलट देना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सको। तो देखिए, ये सीख चुके हैं, इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे इसी तरीके से, सेम तरीके से। और फ्रेंड्स, मैंने और भी कोफ्ते की कई रेसिपीज डाल रखी है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, और आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं नई नई रेसिपीज डालती रहती हूँ। अब हम उसी कढ़ाई में ये लौकी कोफ्ते की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें डालेंगे हम, तेल गरम करने के बाद, 1/2 चम्मच जीरा,
जीरा भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता, दो लौंग और एक चक्रफूल। ये खड़े मसाले हैं, इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी में। तो देखिए इनको हमें हल्का सा सेक लेना। ऑयल तो हमारा पहले से ही गर्म था, मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया था मसाले जलने की वजह से। तो अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो ये मैंने एक बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट तैयार किया है 5-7 कलियों को कूटकर। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। तो देखिए लहसुन सिक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक प्याज बड़ी साइज का, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। इसको भी हमें इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनना है। प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए हमें इसे भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक कंटिन्यू चलाते हुए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है। ये बेहद ही टेस्टी लगती है और ये सब्जी सभी को बहुत पसंद आने वाली है। मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद आई, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच ले रही हूँ मैं, 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच या टेस्ट के अनुसार आप मसाले डाल सकते हो। नमक 1 छोटी चम्मच या टेस्ट के अनुसार। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे कलर अच्छा आएगा, 1/2 छोटी चम्मच। अब हम गैस का फ्लेम कम रखेंगे, कम फ्लेम पर ही हमें इनको मसालों को भूनना है। यदि हमने हाई रखा तो ये मसाले जल जाएंगे। तो इसी तरीके से मिक्स करते हुए हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है इनको, ज़्यादा देर हमें इनको पकाना नहीं है। हल्के से भुन जाए उसके बाद हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। मैंने 6 टमाटरों को मिक्सी में डालकर पीस लिया है और उनकी प्यूरी बना ली है इस तरीके से। मैं इसमें प्याज का पेस्ट नहीं डाला है मैंने। यदि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो इनको स्किप कर सकते हो, बिना लहसुन प्याज के भी सब्जी को तैयार कर सकते हो, बेहद ही टेस्टी बनकर तैयार होगी और इस तरीके से तो अच्छी लगती ही है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे टमाटर की प्यूरी को, इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है और गैस का फ्लेम इस टाइम मीडियम रखना है। और उसके बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ढककर पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। फ्लेम हमें मीडियम टू हाई कर देना है, 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। 5 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए ये मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं और तेल ऊपर तैरने लगा है। तो सेम ऐसे ही हमें मसालों को पकाना है बिल्कुल अच्छे से। तो कितना अच्छा कलर आया है, कितना प्यारा कलर आया है इसका। और ग्रेवी आप जैसी रखना चाहते हो उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हो, पतली गाढ़ी। अब हम इसमें लौकी के जो कोफ्ते बनाकर तैयार किए हैं उनको डाल देंगे इसमें ग्रेवी में, एक एक करते हुए। तो फ्रेंड्स, आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पर भी मैंने नई नई रेसिपीज डाल रखी है, नए नए वीडियोज डाल रखे हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है मैंने। तो देखिए ये कोफ्ते मैंने डाल दिए, इसी तरीके से हमें डालने हैं। उसके बाद हमें इनको मिक्स कर देना है, इन पर जैसे उलट पड़ते हुए इनको अच्छे से ग्रेवी डाल देनी है इनके ऊपर। तो मैं एक बार इनको पलट दूंगी। और ये मैंने लिए 2 हरी मिर्ची, यदि आप डालना चाहते हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हो हरी मिर्ची को। अब हम इस तरीके से पलट देंगे जिससे ये अच्छे से इनमें ग्रेवी चली जाए। तो देखिए इस तरीके से सभी कोफ्तों को पलट देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और भी मैंने मौसम की, मानसून की कई रेसिपीज डाल रखी हैं चैनल पर, देखकर बना सकते हो। अब हम इसको पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 4 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। तो ये हमारी लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनकर तैयार है खाने के लिए। गर्मा गर्म सर्व कीजिए चपाती के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ,
किसी के साथ भी आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी क्रश करके इस तरीके से, और मैंने गैस का फ्लेम कम कर रखा है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे कसूरी मेथी को इसमें। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें हरा धनिया पत्ती डालेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरीके से पलट देना है कोफ्तों को। तो फ्रेंड्स जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लौकी के कोफ्ते की सब्जी कैसी बनकर तैयार हुई है, और लौकी कोफ्ते आप स्नैक्स के रूप में भी तैयार कर सकते हो। अब हम इसमें हरा धनिया पत्ती डाल देंगे, उसको गार्निश कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये बन गई है हमारी सब्जी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।